रोकने के लिए चल रहा है, पानी के लिए रोकने के लिए, पानी के लिए, शरीर के लिए बंद बंद खिड़कियाँ। आप देख सकते हैं पहाड़ों के अंदर जो पहाड़ों के बीच में जो एक दीवार बनाई जा रही है, ये जो दीवार बना रहे हैं ये किस कारण से बना रहे हैं बताइए हमें थोड़ा। ये पानी को रोकने के लिए बना रहे हैं। जी जी, बारिश के दिनों में, बारिश के दिनों में जिस दिनों में पानी आएगा ना, त्या पेड़ पौधे अच्छे चले और जानवर वगैरह भी चारा ग्रह के तरह अच्छे तरह और पानी की बचाव होती है। पानी की बचाव के लिए जो ये काम कर रहे हैं और इस ऐसे दीवार को बना रहे हैं, इतने सारे जो पत्थर हैं लगातार आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक बुजुर्ग और इनसे हम बात करते हैं कि क्या इनका जो महत्व है, कैसे क्या बना रहे हैं आप। पहले आप इनको देखिए जो ये दीवार किस तरीके से बना रहे हैं और ये पानी को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और देख सकते हैं जैसा कि आप, तो जैसा कि आप देख सकते हो ये जो किस तरीके से जो दीवार को बना रहे हैं और हम इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है जी? उदाजी। उदाजी प्रजापत। अच्छा उदाजी प्रजापत, आप ये दीवार क्यों बना रहे हो आप, मतलब इसका क्या कारण है बनाने का? ये बरसात के पानी रोकने के लिए। अच्छा, पानी को रोकोगे? हाँ, फिर जानवर पिएगा, पूरे आवाज में आएगा। जी जी, जानवर और पेड़ों के लिए पानी सेव कर रहे हैं, वाटर सेव कर रहे हैं कहने का मतलब। यहाँ पे देख सकते हो कई सारी बड़ी दीवार बना रहे हैं और वो देखिए यहाँ पे देखिए, इतना बड़े पत्थर उठा ले हो आप, इस पत्थर को कहाँ डालोगे? पानी रोकने के लिए पौधा को पानी मिलना चाहिए। ये पत्थर कहाँ से निकाला आपने? ये वो जमीन पहाड़ों को तोड़ के फिर पत्थर निकाल के फिर ये जो वाटर सेव करने, देखिए यहाँ पानी भरा रहेगा बारिश के दिनों में जिससे सही रहेगा। क्या नाम है आपका? उगमलाल। उगमलाल जी, जो कैसा चल रहा है आपका जो काम? बढ़िया चल रहा है, पानी के लिए रोकने के लिए, पानी के लिए, शरीर के लिए बंद बंद खिड़कियाँ, पानी रोकने के लिए रोकने के लिए। जी जी, कितने बजे आ जाते हो आप? साढ़े आठ बजे आ जाते हैं। देखिए इनका कितना जोरदार काम चल रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए 7 बजे आ जाते हैं।